उर्वरक खादों की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। उर्वरक खाद की पूर्ति की मांगों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने कोऑपरेटिव बैंक एवं थाने के सामने पहुंचकर जमकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस अवसर पर पुलिस ने उक्त पुतले में लगाई आग को बुझाने का लगातार प्रयास करती रही, किंतु वह असफल रही। इस अवसर पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को पूर्ण करे, अन्यथा कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। खरीफ 2021 सीजन के लिए राज्य सरकार द्वारा 11.75 लाख टन रासायनिक उर्वरक की मांग की गई थी, जिसका आधी अधूरी मात्रा ही मिल पाई है। यही वजह है कि राज्य में किसानों की मांग के अनुसार रासायनिक आपूर्ति की मांग की गई थी। इसके विपरीत 7 जुलाई तक छत्तीसगढ़ को मात्र 5.26 लाख मैट्रिक टन रासायनिक खाद प्रदाय की गई है, जो मांग का 45% है, जिसके चलते राज्य में रासायनिक खाद की किल्लत बनी हुई है। बीते 6 वर्षों की तुलना में इस साल खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को अब तक रासायनिक उर्वरकों की पूर्ति में दिक्कत हो रही है और खेती किसानी प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो रही है। किसानों को परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में खाद की पूर्ति नहीं कर पा रही है। 11.5 लाख टन के मांग के विरोध में सिर्फ 5.5 लाख टन ही खाद की पूर्ति की गई है। इसके विरोध में हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर मैदान में उतरकर किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र गवर्नमेंट से जो खाद की मांग किया गया था भूपेश बघेल द्वारा 11.75 लाख टन, जिसमें 7 जुलाई तक 5.24 टन लाख खाद मिला है, जिस पर प्रकार के 45% ही मिल पाया है। जिस प्रकार के वो हमारे छत्तीसगढ़ को सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसके विरोध में आज हम लोग जिला सरकारी बैंक के पास मोदी जी का पुतला दहन किए हैं।